हेलो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक हों। स्वागत है आप सभी का सना फातिमा चैनल पर। मैं बनाने जा रही हूँ शाही टुकड़ा। कैसे बना रही हूँ आप देखते रहिए स्टेप बाय स्टेप। और एक पैन ले लीजिए आप, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, अच्छा डीप फ्राई होना चाहिए इसे। और अपन अच्छे ब्रेड तल लेंगे, अच्छे से रेड फ्राई कर लेंगे, ब्राउन। आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं आप लोगों की मर्ज़ी, इसमें तो ऐसे ही अच्छे दिखेंगे। आप भी फ्राई कीजिए, डीप फ्राई आपकी मर्ज़ी, शैलो फ्राई भी कर सकते हो। देखिए ऐसे ब्राउन तल लीजिए आप लोग अच्छे से। तलने के बाद अच्छे से निकाल लीजिए। देखिए ऐसे ब्राउन तल लीजिए पूरे ब्रेड, अपन आपको जितने चाहिए उतने ब्रेड तल लीजिए। आपके कंटेनर में कितने आएंगे उतने ही फ्राई कर लीजिए आप लोग। देखिए मैं पूरे फ्राई कर ली हूँ। अब नेक्स्ट करेंगे अपन शीरा बनाएंगे। देखिए आप लोग ऐसे ऐसे ही कर लीजिए ब्राउन पूरे। देखिए एक कप पानी ले लेंगे अपन, एक कप वाटर ले लिए, एक कप शुगर ले लेंगे अपन इसी हिसाब से। और थोड़ी सी इलायची पाउडर ले लेंगे, थोड़े से केसर के धागे ले लेंगे और थोड़ा सा फूड कलर लेंगे अपन। अच्छे से उसे मिक्स करेंगे, अच्छे से अपन मिक्स करेंगे, पकाएंगे। देखिए मैं शीरे को अच्छे से पका ली हूँ और एक तार आए तक पकाना नहीं है, सिर्फ चिपचिपापना आने तक पकाना है इसे, शुगर सिरप को पका ली हमने। और देखिए अपन गरम चाशनी में ये ब्रेड को डुबाएंगे अच्छे से, सिर्फ इसमें अच्छे से डुबा कर गरम चाशनी में ही डाल लीजिए आप लोग। गरम गरम डालने के बाद इसमें अच्छे से कंटेनर में रख लेंगे अपन। देखिए मैं अच्छे से इसे सेट कर ली हूँ और जितना भी शीरा बचा ना उसी पर अपन डाल लेंगे। देखिए हाफ लीटर दूध ले ली हूँ मैं, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर ली हूँ मैं, थोड़ा सा कच्चा दूध इसी से ले लेंगे अपन। लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स नहीं लेंगे, इसलिए मैं कच्चा दूध लेकर पहले ही मिला रही हूँ। देखिए इसमें कच्चे दूध में मैं मिक्स कर ली हूँ और इसमें मिक्स करेंगे अपन कॉर्नफ्लोर बोलिए, कॉर्न स्टार्च बोल लीजिए आप लोग, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और मिल्क पाउडर लेंगे 1 एंड 2 एंड 3 स्पून मिल्क पाउडर ले लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे अपन क्रीम अच्छा आने के लिए। फिर इसको पकाना भी है अपन को, लंच में भी आना है। और इसमें अपन शुगर भी डालेंगे, कम या 2 स्पून डालेंगे अपन, क्योंकि अपन शुगर सिरप भी डाले हैं इसमें, बस इतना ही। देखिए पक चुका है, क्रीम ठंडा होने के तक रुकेंगे अपन। देखिए अपन इसमें डालेंगे शुगर सिरप में, देखिए अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे काजू बादाम डालेंगे, थोड़ी सी गार्निश करेंगे अपन। और इसे ना सेट करने रखेंगे थोड़े। देखिए शाही टुकड़ा है, इसका नाम शाही टुकड़ा है और मैं बनाई हूँ। कैसा बना आप टेस्ट करिए, लोग भी बनाइए खाइए, छोटे बड़े सब खा सकते, अच्छा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग मुझे प्लीज़।
सपोर्ट कीजिए आप लोग भी। मिलेंगे अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।